तो अब हम यहाँ का एक और एरिया है दरगाह का, वहाँ पे आ गए। और अभी आप देख रहे हो पीछे पेड़ों पे, अगर ध्यान से देखोगे तो काफी कपड़े टंगे हुए हैं, देखो कपड़े काफी सारे पेड़ों के ऊपर। तो ये यहाँ पे ये है कि जो मानसिक बीमार होता है या फिर जिसके अंदर कोई प्रेत आत्माएं वगैरह निकल जाती है, यहाँ से इलाज हो जाता है, तो उनके जो कपड़े हैं उनको यहीं छोड़ के चले जाते हैं लोग। अभी हम जा रहे हैं अंदर दरगाह में, अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे दरगाह और मंदिर आपको दोनों ही मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे चादर भी चढ़ाई जाती है। अभी अंदर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों संप्रदाय के यहाँ पे लोग आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पे आते हैं। तो भगवान शिव की यहाँ पे स्टैचू भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो शिव जी का स्टैचू लगा हुआ है। तो काफी अच्छी जगह है यहाँ पे शिव की पूजा करने के लिए। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे हर समुदाय के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। तो ये काफी अच्छा एक विशाल है, ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा होगा। सही में कह रहा हूँ, कभी नहीं देखा होगा। इधर तो आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पे, आप क्या पता लगा सकते हैं किस धर्म से जुड़ी हुई जगह है, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब मेरे पीछे देख सकते हैं आप, गेट है और रूप मुनि सेवा संस्थान यहाँ पे है जो इसको हैंडल कर रहे हैं, इस जगह को। आपसी प्यार और रिश्तों को मजबूत करने वाली ये जगह, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि एक बिल्कुल अलग रूप है यहाँ पे इस जगह पे। हाँ 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 मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि ये भी सभी करो एक साथ। ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है छोटा सा एक, और पीछे आप देख रहे हैं कि अभी हम दरगाह से होते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे हमने चादर भी चढ़ाई, और यहाँ पे ये ब्रह्मा जी का मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम भी यहाँ है, मजार भी यहाँ है, बजरंग बली भी यहाँ पे है, बजरंग बली की भी पूजा यहाँ पे की जाती है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से कि यहाँ पे ग्रिल्स वगैरह के कलर किया हुआ है, वो आपने कभी मुस्लिम बहुल इलाकों में देखा होगा, और जो मस्जिद हैं या उन जगहों पे आपने ये ग्रीन कलर देखा होगा, जिसको लेकर हम लोग हिंदू या मुसलमान हैं जो इसी रंगों को लेकर कट्टर होते रहते हैं, और इन्हीं रंगों को लेकर हम लोग लड़ाई भी करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों में कितनी प्यार और सद्भावना है। पूरे इंडिया में मुझे लगता है कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ भगवा और हरा रंग जो है दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ एक आपको यहाँ पे मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो इबादत, ग्रीन कलर का जो यहाँ पे कपड़ा आप देख रहे हैं बांधा हुआ है, ये मन्नतों के लिए जो बांधते हैं हम लोग, धागा बांधते हैं उस तरह से ये बांधा हुआ है। तो ग्रीन कलर का यहाँ भगवान शिव के लिए यहाँ पे ये बांधा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और सामने भी आप देख रहे हो कि जो गेट है उस पर भी आप देख रहे हो भगवा और ग्रीन कलर, दोनों हरा और भगवा कलर दोनों का कम्बिनेशन है भगवान शिव के लिए यहाँ पे। शिव के लिए नहीं, अगर आप देखो कि हर जगह पे आपको यही मिल रहा है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बार बार ये आपको बता रहा हूँ कि ग्रिल पे भी अगर आप देखेंगे तो भगवा और जो हरा कलर है उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से हम लोग आए जहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, और शिव भगवान का भी आपने देखा शिवलिंग भी था, और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे रामदेव जी जो महाराज हैं हमारे, उनसे उनका मंदिर है यहाँ पे। तो घंटी भी लगी है यहाँ पे, ग्रीन कलर का इनका गेट भी आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखें तो ख्वाजा गरीब नवाज के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है, तो आप खुद देख सकते हैं।
वीडियो पोज करके देखो, इसे हिंदू ने बनवाया है इस पवित्र स्थान को। तो यहाँ अंदर जाने की मुझे नहीं पता कि इजाज़त है या नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये मजार बनी हुई है यहाँ पे गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज। और जैसे ही मैं यहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ से मैं निकलता हूँ और इस साइड में नज़र दौड़ाता हूँ, तो आप देखेंगे काफ़ी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं शिखर मंदिर का, और ये है ख्वाजा जी की दरगाह यहाँ पे बनाई हुई है। और अगर आप झंडे भी देखें तो आप दोनों ही समुदाय, दोनों ही धर्मों के झंडे भी आप एक साथ देख सकते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पे बांध के जाते हैं, यहाँ पे झंडे फहरा के जाते हैं। तो पीपल की पूजा भी हो रही है यहाँ पे, बरगद का पेड़ भी है। नज़ारा देखिए आप कि यहाँ पे आपको ये और ये दोनों देखने को मिलते हैं एक साथ, एक ही जगह पे, एक ही बाउंड्री के अंदर आपको ये सब देखने को मिलता है। अच्छा देख रहे हैं आप, यहाँ पे शिव भगवान का यहाँ शिवलिंग भी है और हनुमान जी का मंदिर भी मैंने आपको दिखाया। और अगर इस साइड जस्ट मैं कैमरा घुमाता हूँ तो यहाँ चादर भी चढ़ी हुई है पीर जी की, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन चादर भी चढ़ी हुई है। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली कहना चाहूँगा जो हिंदू और मुसलमान होने के नाते एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, अलग अलग तरह के मौक़ों पे, अलग अलग तरह के मुद्दों पे लड़ते रहते हैं, वो लोग एक बार यहाँ आके देखें कि ऐसा भी पॉसिबल है, प्रेम भाव से भी रहा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू जो हैं इसे मेंटेन कर रहे हैं इस जगह को, या फिर मुस्लिम्स ही मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों ही धर्मों के लोग जो हैं वो है। तो कट्टरता जो है अगर हम लोग लेके आते हैं तो हमारे, मुझे यही समझ में आता है जब जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मुझे हर धर्म के लिए एक बहुत अलग सी आस्था फील होती है, अलग सी शांति फील होती है कि नहीं, जो मीडिया में जितना हम लोग देख रहे होते हैं वो बददिमाग लोग होते हैं जो ऊट पटांग की तरह के किस्से बनाते हैं, दंगे करते हैं, फसाद करते हैं, सिर्फ रंग के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं। मुझे नहीं पता इसमें राजनीतियाँ होती हैं, बहुत कुछ होती हैं, आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन यहाँ आप आके आपको लगेगा कि नहीं, हमारा भारत में ऐसा हर जगह नहीं है, अलग भी कुछ है हमारे देश में। तो ये पिलानी राजस्थान में जगह है और यहाँ पे ये नरहर नाम से गांव है, और नरहर गांव में यहाँ पे पीर बाबा जी की ये दरगाह भी आपने देखी थी, ठीक है। और ये एक जगह है जहाँ पे मिक्स है, दोनों धर्मों को मिक्स करके ये जगह बनाई गई है। तो यहाँ पे आपको मेरी तरह हिंदू भी दिखेगा पूजा करते हुए, हर जगह जाता है हर इंसान जो भी यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो यहाँ पे जो मंदिर दिखाए वहाँ पे भी जाता है, पूजा करता है, दरगाह में इबादत भी करता है, फ़ोटोज़ खिंचाता है, सोशल मीडिया में शेयर करता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वीडियो है ना, आप शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना आपने, ताकि ये वीडियो, मतलब मेरा जो व्लॉग है ये पहला ही व्लॉग है और मैंने ऐसी जगह से शुरुआत की है इस व्लॉग की। तो प्लीज़ आप लोगों की हेल्प रहेगी, आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए, आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को कुछ समझ में आए कि भाई यहाँ पे प्रेम भाव से भी रहा जा सकता है हमारे हिंदुस्तान में।